हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी के सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जी जान से जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में पूर्व वित्त मंत्री और नारनौंद से बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु अपने चुनाव प्रचार प्रसार को धार देने में लगे हैं। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के डाटा में लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिक विकास का इरादा है, घर घर रोजगार का वायदा है। नारनौंद मेरा परिवार है और परिवार के लिए हमेशा मैं खड़ा रहूंगा और कभी भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। तो परिवार के लिए हमेशा खड़ा होने की बात ये पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है, उनको टिकट मिला है और लोगों से वो मिल रहे हैं, भारी जनसमर्थन मिलता हुआ उनको ये नजर आ रहा है चुनाव प्रचार प्रसार में। और अधिक विकास का इरादा है, ये बात उन्होंने कही है कि ज्यादा से ज्यादा विकास करवाना मेरा मकसद है और घर घर रोजगार का वायदा भी उन्होंने किया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, पुरुष महिलाएं सभी उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं जहां जहां वो पहुंच रहे हैं। और वादा भी उन्होंने आम जनता से किया है कि जीतने के बाद जो विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है उसको गति देने का काम किया जाएगा और जो काम लंबित पड़े हैं, जिन समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ, वक्त रहते उन समस्या का समाधान भी किया जाएगा।